बढ़े हुए प्रदूषण ने हमारी सांसों को संकट में डाल दिया है। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हम सब सरकार से उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि वो इसको कंट्रोल करेगी ताकि हम चैन से सांस ले पाए, बट जब तक हो रहा है तो इसकी सुरक्षा और रोकथाम के लिए यही कर सकते हैं कि हम N95 मास्क लगाएं जो हमने कोविड टाइम्स में लगाए थे, क्योंकि वही मास्क हैं जो सिर्फ PM2.5 पार्टिकल्स को रोक सकते हैं। तो स्पेशली अगर जो डायबिटिक हैं, स्पेशली जो डायबिटिक है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इस चीज के लिए। तो अगर आपको पहले कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया हुआ है, तो आप या डायबिटिक या जिनका वजन ज्यादा है, जी उन सब लोगों को मास्क लगाना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटीज जितनी कम से कम कर सके, खासकर जो पीक पॉल्यूशन टाइम होता है उसमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज को हम रेस्ट्रिक्ट करें। ये नहीं कहते कि इंडोर में नहीं है, बट आउटडोर से कम है इंडोर में, तो वो हम थोड़ा सा जो प्रिवेंट कर सकते हैं वो करें। दूसरा बड़ा अच्छा उपाय है कि अगर आपके को ऐसी कोई डिजीज नहीं है जिसमें पानी को कम पीना है या पानी को रोक के पीना है, तो आप फ्लूइड इंटेक बढ़ाइए अपनी बॉडी में, क्योंकि विंटर्स के अंदर प्यास कम लगती है, ऊपर से ये 2.5 पार्टिकल्स जो है हमारे ब्लड में सप्लाई में जा रहे हैं, तो जितना आप फ्लूइड इंटेक करेंगे उतना ही फ्लश आउट हो जाएंगे पार्टिकल्स, और उतना आपको ये जो चांसेस ऑफ स्ट्रोक और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक की लंग की प्रॉब्लम्स भी आपको कम होंगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है फाइबर डाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वेजिटेबल्स और ये सब, इन सब चीजों से फायदा होता है। फाइबर डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और कुछ आउटडोर सॉरी कुछ इंडोर एक्सरसाइजेस करना भी इंपॉर्टेंट है। वी कांट बी लेजी। क्योंकि जो प्रदूषण का मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल PM2.5, PM10, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो व्हीकल्स हैं जो कि ट्रैफिक है जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रदूषण होता है, काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो महीन कण है वो हमारे एयरवे में, फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कि काफ़ी सारा खांसी, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट में टाइटनेस होती है। तो इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें। सिंपल मास्क है वो, जब भी हम घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो घर के अंदर ही रहें, और यदि आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप स्टीम ले सकते हैं। बहुत सही डॉक्टर साहब ने बोला कि इंडोर एक्टिविटीज बहुत बढ़ानी है, फोन को बहुत दूर रखना है, फोन एडिक्शन नहीं बनाना, आईपैड को एडिक्शन नहीं बनाना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत लेने हैं, ट्राई टू डेवलप द हॉबी ऑफ रीडिंग। आप जितना रीड करेंगे उतने न्यूरॉन्स को पावर मिलेगी, उतने न्यूरॉन्स स्ट्रांग होंगे, और इंडोर एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मान लीजिए बच्चों में ये मिल रहा है, हमें कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इरिटेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि सब लोग अपने काम पे लगे हैं या सब लोग फोन पे लगे हैं, तो ट्राई टू इन्वॉल्व मोर फैमिली टाइम, साथ बैठिए, साथ काम करिए, साथ खेलिए। इस समय दिल्ली और NCR के जितने अस्पताल हैं उनमें OPD में या इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस में तकलीफ है, या तो सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक है, या COPD का अटैक है। तो ये लोगों के नंबर बढ़ गए, इसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सब शामिल हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, दिल्ली NCR से बाहर गए हैं, उनके अंदर ब्रोंकाइटिस है वो बढ़ गया है, और जो अस्थमा और COPD के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, या COPD बहुत स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ रही हैं, जिसके लिए उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, इंजेक्टेबल दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है हम सब के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक है, लॉन्ग टर्म में कैंसर होने तक की संभावना होती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं 6 से 8 घंटे कम से कम, घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त सरकार को और पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण के अगेंस्ट खूब सारा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको इसके जो खतरे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। कुछ हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें जैसे बताया प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, ये एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम बचा के रखें, और जब देखें एयर क्वालिटी इंडिसेस पुअर हो रहे हैं तो
तो इसके लिए एक जागरूकता होनी कि भी नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडिसेस लेस देन 100 होना चाहिए, 100 टू 200 के बीच में क्या करना है, और अगर मोर देन 200 है तो क्या करना चाहिए, तो कम से कम जो वल्नरेबल ग्रुप है हम उनको बचा के रखें।